अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नुमान हसन है। आज मैं अपने टाइगर के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। आज मैंने अपना टाइगर नहीं खोला क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोस में बताता हूँ कि जब मेरा कपड़े ख़राब करने का मूड ना हो तो मैं टाइगर को नहीं खोलता, क्योंकि ये कपड़े बड़े ज़्यादा ख़राब करता है और ऊपर छलांगे मारता है, कपड़े फाड़ भी देता है। अगर फाड़ेगा नहीं तो मतलब कि इधर काफ़ी ज़्यादा अपने बाल लगा देगा या थूक लगा देगा, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि इसको मैं ना ही खोलूँ जब मेरे मतलब अच्छे कपड़े मैंने पहने हो। वैसे तो आप सोच, कुछ लोग फ़नी कमेंट भी करते हैं कि ये किधर अच्छे कपड़े हैं, मेरी नज़र में अच्छे ही हैं, आपकी नज़र में ना भी हो तो कोई बात नहीं है। तो मेरी नज़र में फ़िलहाल ये अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि मैंने लास्ट एक व्लॉग बनाया था उसमें मैंने कहा कि यार मैंने साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने हैं, तो एक दो तीन बंदों ने कमेंट किया कि ये कहाँ से अच्छे कपड़े हैं, हमें तो बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे। तो आपको जो है ना लग रहे हो तो मेरे लिए अच्छे कपड़े हैं। आप हमेशा कितना आ जाते हो इधर खड़े हो जो, या फिर अपना जो है ना यहाँ पर खेलो, क्योंकि आज मेरा आपको व्लॉग में लाने का कोई मूड नहीं है। इसको तंग ना करना जान, ठीक है ना, आज मुझे आपको व्लॉग में लाने का कोई मूड नहीं है, समझ आ गई, ठीक है। इसलिए खेलना तो खेल लो, खड़े होना तो खड़े हो जो। तो मैं आपको बता रहा था कि अच्छे कपड़े पहने इसलिए मैंने खोला नहीं है। और जो मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, जो मेरा टॉपिक है आप व्लॉग में हाजिर होने का, वो ये है कि मैंने आज आपको इसकी जो है ना कुछ टिप्स बतानी है कि टाइगर के अटैक से किस तरह बच सकते हैं आप, क्योंकि मुझे तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हुए हैं टाइगर्स और लाइन रखते हुए। पहले मैंने लाइन्स रखे थे, अब मैंने टाइगर्स रखे हैं, तो इसलिए मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस के बिना पर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा टिप्स दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो है ना मैं अब तजर्बा नहीं है और मैं कोई टिप नहीं दे सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली जो टिप ये है कि जब ये अटैक कर रहा हो तो इससे डरना नहीं है, मतलब कि अगर आप इसके अगर ये आपकी तरफ आ रहा है और इसे आप दो कदम पीछे जाएंगे या इसे भागने की कोशिश करेंगे तो ये जो है ना आप पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी चार टांगें हैं, आपकी दो टांगें हैं, तो आप इससे मेरे ख्याल से स्पीड में तो तेज़ हो नहीं सकते। और जहाँ पे रही बात ताकत की, ताकत में भी जो है ना वो 200 किलो का है, और जो तगड़े से तगड़ा बंदा होता है वो 100 किलो का होता है, तो 100 किलो का बंदा भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि ये 200 किलो है, तो ये ताकत में भी अपने जो है ना बहुत ज़्यादा है। अब देखें, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान के जंगलों में तो टाइगर है नहीं है, तो इसलिए मैं ये टिप नहीं दे सकता कि अगर आपके जंगल में किसी टाइगर से सामना हो जाता है तो आपने किस तरह बिहेव करना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान में टाइगर तो है कोई नहीं है, अब लोगों के घरों में ही है या लोगों के प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म पे है। तो ब्रीडिंग फार्म में अब जितना ट्रेंड हो चुका हुआ है पाकिस्तान में, हर बंदा जो है ना लाइन या टाइगर के साथ वीडियोस बनाने जाता है या उसे मिलने जाता है, तो इसमें कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, मतलब वहाँ पर अटैक भी हो सकता है। या जैसे मेरा टाइगर है ये बड़ा फ्रेंडली है, ये बहुत कम चांस होता है कि ये अटैक करे, तो अगर करे भी तो मैं पास होता हूँ इसको हैंडल करने के लिए। लेकिन ये उस बंदे के लिए टिप है जिसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो कभी पहली बार जो है ना टाइगर के पास जाता है, तो ये उसके लिए मैंने टिप बताई है कि ये जो है ना इसके नज़रें, एक तो नज़रें मिला के रखें, मतलब अगर ये आपकी तरफ देख रहा है तो इसकी आंखों में ही देखें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आंखों में नहीं देखना चाहिए, मैं कहता हूँ कि आंखों में देखना चाहिए ताकि इसको पता हो कि ये बंदा डर नहीं रहा, मेरी आंखों से आंखें मिला रहा है। और अगर आप आंखें फेरेंगे तो इसको पता होगा कि ये बंदा मेरे से डर रहा है और मैंने इस पर अटैक करना है। और टाइगर ऐसी चीज़ है कि ये जो है ना ये बंदे को पहचान लेते हैं कि कौन बंदा डर रहा है, तो इसलिए ये अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है जो डर रहा होगा, या चले मैं अब नहीं भी खड़ा, कोई एक बंदा एक ऐसा सामने खड़ा हो उसके पीछे वो बंदा खड़ा हो जो टाइगर से डर रहा हो, तो टाइगर उस फ्रंट वाले बंदे पे अटैक नहीं करेगा, उसके पीछे से जाके बैक वाले बंदे पे अटैक करेगा। तो ये बड़ी एक साइकी है टाइगर की कि टाइगर हमेशा उस बंदे पे अटैक करता है जो डरता है। तो अब मैं मतलब टिप बता रहा था आपको कि ये भी एक ख़ास टिप है कि आपने जो है ना आंखों से आंखें भी मिलानी है, ये भी एक बड़ी समझ ले के एक की पॉइंट है टाइगर के साथ, टाइगर के सामने जाने का। और दूसरी जो ख़ास बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जंगलों में तो है नहीं, जंगल में तो वो मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें बता रहे थे कि अगर टाइगर आ जाए तो नीचे लेट जाओ और टाइगर को शो करवाओ कि जो है ना सांस नहीं आ रहा, मैं मतलब मर चुका हुआ हूँ, तो उस वीडियो में ऐसा बंदा कह रहा था। लेकिन देखें अब टाइगर भी इतना अकलमंद है, वो सूंघ के बता सकता है कि बंदा जिंदा है या मुर्दा है। तो ये तो रीछ की कहानी है, वो बचपन में सुनी हुई है कि वो मतलब सांस रोक लिया और रीछ ने सूंघ के चला गया, कुछ नहीं कहा। लेकिन टाइगर, ऐसी गलती आपने टाइगर के आगे बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि टाइगर इतना अकलमंद जानवर है, टाइगर दूर भी होगा और बंदा कोई सांस रोक के लेटा होगा तो टाइगर को पता चल जाएगा कि ये मेरा शिकार है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि टाइगर जो है ना ये बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये किसी सूरत आपको बख्शने वाला नहीं है अगर इसके आप काबू में आ गए हुए हैं। तो अभी आप पीछे
अजान जो है ना इसके टाइगर के साथ खेल रहा था, मैंने अभी इसको मना किया वीडियो रोक के, तो मैं इसको मना करता हूँ कि यार ये टाइगर अपने से देखो अजान। आप कितने केजी के हो गए? हाँ आप हो गए मेरे ख्याल से 30 केजी से ज़्यादा नहीं हो गए आप, और वो पता है कितने केजी का है? हाँ जी 200 केजी का है। तो आप उसके साथ जो है ना शरारतें करते हो, वो किसी दिन उसका जो है ना मीटर ख़राब हो गया ना, फिर आपकी माफ़ी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा आपको बार बार समझाता हूँ कि भाई दूर रहो दूर रहो दूर रहो। वो देखो वो पूरा वो आप पे अजान फिर शरारते, वो देखो वो आपकी वजह से वो शरारती मूड में आ गया हुआ है। मैं ब्लॉग ये बना रहा हूँ कि लोगों को मैं बता रहा हूँ कि टाइगर अगर आपके सामने आ जाए खुला हुआ टाइगर, बंद ये तो बंद है ना। हाँ अजान ने बल्कि मुझे याद करवा दिया कि ये भी एक टिप है कि अगर आपके सामने टाइगर खुला आता है, ये तो जैसे बंद है ना, ये तो बेचारा मतलब कैद है किस्म का, ये कुछ कर नहीं सकता। अब ये अजान यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ पे खड़ा है, तो ये अजान के पीछे नहीं आ सकता। तो सबसे बड़ी जो टिप है वो ये है कि अगर आपके सामने टाइगर खुला हुआ टाइगर आ जाता है, ये तो बंद है ना, खुला हुआ टाइगर आ जाता है तो आपने भागना बिल्कुल भी नहीं। देखें अजान को अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हुआ अजान को भी, अजान भी टिप दे रहा है तो ठीक है। बता रहा हूँ मैं तो आपने सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जो एहतियात है वो ये है कि आपने बिल्कुल भी भागना नहीं है, क्योंकि ये आपको पकड़ ही लेगा, ये बहुत तेज़ ये फास्ट जानवर है और इसकी बाइट फोर्स इतनी ज़्यादा है कि ये किसी, अब जैसे अगर ये तो टेम है, अगर मेरा कोई अग्रेसिव शेर हो या कोई अग्रेसिव लाइन हो, अगर मेरी बाजू पकड़ लेगा तो मेरी एक मिनट में हड्डी क्रश कर सकता है। मतलब इसकी इनकी बाइट फोर्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है। तो घर में या घर में रखने का यही फ़ायदा है या टेम करने का यही फ़ायदा है कि ये अग्रेसिव मोड में जो है ना बाइट नहीं करते, ना इनको पता होता है कि ज़ोर से बाइट, मतलब इनको आदत ही नहीं है इंसान को बाइट करने की या किसी भी जानवर को। इवन मैं यहाँ पे कुत्ता भी छोड़ दूंगा या इधर मैं बकरी भी छोड़ दूंगा, ये उसके साथ खेलेगा ज़रूर, लेकिन उसको प्रॉपर जो सीरियस वाली बाइट होती है वो ये बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस हिसाब से ये जो है ना घर में जो टाइगर होता है ये बड़ा ईजी रहता है और रखने का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि ये इतना डेंजरस नहीं होता बाकी दूसरों के मुकाबले। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना बेहतर समझी थी, मैंने सोचा कि चलो मैं व्लॉग बनाता हूँ और कुछ शायद मेरी वीडियो देख के किसी ना किसी का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो जिधर मेरी ये टिप्स काम आ जाए। तो ये 2-3 टिप्स थी, तो और भी टिप्स हैं, ये मैं अपने नेक्स्ट जो कभी मेरा व्लॉग जब मेरा मूड होगा टिप्स देने का तो मैं तब जो है ना आपको दूँगा, और अभी के लिए इतने में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो अभी आप मुझे इजाज़त दें और अंधेरा भी हो रहा है, तो मैंने कहा चलें व्लॉग एंड ही करते हैं, टिप्स जो हैं बाकी वो बाद में देंगे। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।